बताने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3, ठीक है, जिसमें एक दो तीन सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली में बस तीन सवाल ही दिए हुए हैं। इसमें हमको आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिसमें पहला दिया हुआ है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना है, देखिए पहला जो सवाल है हमने एक वीडियो बना चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला क्या है टॉपिक फाइनल हो जाएगा। अब हम दूसरा बताने वाले हैं, ठीक है, ये वीडियो आप देख लिए तो आपका हाई स्कूल पर जितना भी अपरिमेय सवाल है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे का हल देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने रूट फाइव वाले में बताया था कि इसको मार्कर मानना हो, क्या मानना हो, मार्कर, तो इसके उल्टा हम मानते हैं इसको कि माना एक डस्टर है। ठीक है, क्या है, एक डस्टर है, डस्टर का काम क्या होता है, मिटाना होता है। अगर हम ऐसे बोर्ड पे किए तो मिटाने के बजाय ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो हम क्या कह देंगे, कुछ गलत माने हैं तभी तो ये कुछ गलत आंसर दे रहा है, तो हम कह देंगे कि नहीं, हम जो माने हैं कि ये डस्टर है वो क्या है, गलत है, अर्थात ये क्या है, पेन है, पेन मतलब कह सकते हैं कि ये मार्कर है। ठीक है, तो देखिए मतलब कहने का ये है कि जो दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय मानने के बजाय हम क्या मानेंगे उसको कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना सबसे पहले क्या मानेंगे, 3 + √5 को एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे, तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा माने है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या जो होता है इसकी भी परिभाषा हम बता चुके हैं, वे सभी संख्या जो p/q के रूप में, ये सब छोड़िए, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि p/q के रूप में होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = a/b। ठीक है, जहाँ a बाई बी कोई पूर्णांक है जिसका सहअभाज्य गुणनखंड एक है। अब देखिए 3 को हम क्या कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं, तो 2√5 बराबर a/b-3, कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए 2 गुणा है तो इसको ले जाएंगे तो उधर भाग हो जाएगा, तो रूट फाइव को छोड़िए, इधर क्या हुआ 1/2 a/b-3। अब यहाँ पे हम देखने वाली ये बात है कि 1/2 a/b और -3 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि पिछले वीडियो हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या है, दिन और रात जैसे है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या कह देंगे कि ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता, तो लिखिए कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तथा राइट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो पता ही होगा, लेफ्ट मतलब बायां पक्ष और राइट मतलब दायां पक्ष, राइट हैंड साइड में 1/2 a/b-3 क्या है, ये देखिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, a बाई बी को परिमेय संख्या माने ही है, और 3 क्या है, 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो देखिए ये क्या लिख देंगे, मैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये संभव ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है कि दोनों बराबर हो, बराबर हो। अब देखिए आखिर ये हुआ कैसे है, ये बोल रहा था कि आप दिखाइए एक अपरिमेय संख्या, हम लोगों ने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है, इसी के वजह से ये जो परिणाम मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या, ये जो हम माने हैं परिमेय संख्या वो गलत है, तो क्या कह देंगे कि उसके विपरीत, जैसे देखिए ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, तो आप लिखेंगे ये हमारी गलत परिकल्पना, मतलब जो माने हैं उसके कारण हुआ है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बात समझ आ रही है, अपरिमेय संख्या है। आप लिखिए, हम इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं, देखिए
अब देखिए सेम यही प्रोसेस तीसरे में भी हम लोग करने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है जिसमें दिया 1/√2। तो इसको भी ये क्या, जब कह रहा है कि अपरिमेय है तो हम परिमेय मान लेंगे, अपरिमेय कोई बाई बी के रूप में दिखा देंगे। जैसे तीसरे का देखिए पहला हल, ठीक, तो माना उसी को जो दिया है उसी को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक, चूंकि परिमेय संख्या a बाई बी के रूप में होता है, ठीक है, a बाई बी के रूप में होता है, तो इसको लिख लिया जाए 1/√2 इक्वल टू a बाई बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जब नीचे अंडर रूट दिया रहता है तो उसके संयुग्मी अर्थात कह सकते हैं कि कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 1/√2 में रूट टू से ऊपर, रूट टू से नीचे इक्वल टू ए बाई बी, ऊपर हुआ 2 नीचे हुआ 2, ये देखिए ए बाई बी, ठीक है, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, रूट टू ए बाई बी और ये क्या मिला इंटू 2 अर्थात 2 ए बाई बी। देखते हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। और इधर वाली देखिए a बाई बी को परिमेय माने ही है, दो भी परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय ये परिमेय दोनों बराबर है जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में रूट 2, ठीक, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड में 2a बाई बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, यह देखिए एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है और दोनों बराबर हैं, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बोल देंगे ये असंभव है, असंभव है। ये क्यों हो रहा है, ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। देखिए तो हम क्या कह देंगे कि जब हमारी गलत परिकल्पना के कारण हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए इसको मिटाते हैं, अब दूसरा करते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, मान लेंगे कि माना 7√5 उल्टा मानते हैं, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो परिमेय संख्या क्या होता है, a बाई बी के रूप में होता है, लिख दिए चूंकि परिमेय संख्या a बाई बी के रूप का होता है, ठीक है, a बाई बी के रूप का होता है, तो हम कह देंगे कि 7√5 बराबर a बाई बी, कोई दिक्कत। अब 7 को इधर डिवाइड कर दिया जाए तो √5 इक्वल टू a अपॉन 7b, कोई दिक्कत। अब देखिए पहले ही सवाल इसमें दिया हुआ था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये देखिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया और इधर वाला क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों बराबर हैं जो कि असंभव है, ठीक है। तो लिख देना पुनः सेम वही प्रोसेस है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे ऐसे जैसे हम लिखे थे लेफ्ट हैंड साइड में, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही जैसा लिखने पे कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं तो लिखने का तरीका बहुत से हो सकते हैं, परिमेय संख्या है, तथा राइट हैंड साइड में a अपॉन 7b एक
ये अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या रूट फाइव क्या है? अपरिमेय है ना। और ये देखिए ए अपॉन रूट सेवन बी, ए अपॉन सेवन बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि बराबर है, जो कि बराबर है। ये असंभव है, क्या है ये? संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो ये असंभव है, अर्थात अतः ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण, कल्पना का अर्थात ये होना चाहिए, हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब होना चाहिए कि जो हम माने हैं परिमेय संख्या जो दिया था अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय मानने हैं परिमेय, तो वही परिकल्पना जो किए हैं कल्पना वो गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, हुआ है। अर्थात क्या है? सेवन रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। ठीक, ये देखिए तीसरा कह रहा है कि सिक्स प्लस रूट रूट टू, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, मान लिया उल्टा, ठीक है। सिक्स प्लस टू रूट क्या है, रूट टू एक उल्टा मान लेते जो दिया रहता है, तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? ए बाई बी के रूप में होता है। तो इसको ए बाई बी के रूप में हम लोग लिख लें, ए बाई बी के रूप में, ठीक है। तो सिक्स को उधर ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो ए बाई बी माइनस सिक्स, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ऐसे कर लें ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये रूट टू अभी प्रूफ किया जा चुका है कि एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो पुनः इसमें भी लिख दिया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तथा राइट हैंड साइड में ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, जो दोनों बराबर हैं। यहाँ क्या है, दोनों बराबर हैं, जो कि क्या है, असंभव है। तुम क्या कह देंगे कि हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, इसलिए ये लिख दीजिए, ये हमारी कारण हुआ है, ठीक है। ये हमारी गलत परिकल्पना का कारण हुआ, तो हम क्या कह देंगे कि जो ये कह रहा है वही सही है, हमने जो माना वो गलत है। क्या कह रहा है ये, कि सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या, तो उसे ही लिख दिया जाए, अतः सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फाइनल।